हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SIP क्या है और SIP में हम पैसा निवेश करते हैं तो क्या डूबेगा तो नहीं, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SIP है क्या। SIP एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि आप उसमें छोटी छोटी अमाउंट जमा करके और आप एक बड़ी अमाउंट बना सकते हैं। वो किस तरीके से बना सकते हैं हम वो आगे जानेंगे, पर यहाँ पर समझ लेते हैं क्या हमारा पैसा SIP में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमारा पैसा डूब जाएगा कि नहीं डूबेगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आप SIP कर रहे हैं तो या फिर म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो ठीक है, पर अगर आप अधिक लंबे समय के लिए कर रहे हैं जैसे कि 5 साल से ऊपर के लिए SIP कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अधिक यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वो किस तरीके से देखने को मिलेगा चलिए जान लेते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं मैं आ गया हूं ग्रो एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर और यहां पर जैसे कि यह है SBI कॉन्ट्रैक्ट प्लान ग्रो, ठीक है। अब यहां पर म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर आप कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो पहले से ही डूबते ही जा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में यहां पर पैसे को निवेश कर रहे हैं। इसी के साथ में दूसरी बात ये कि आप यहां पर डायरेक्ट में कर रहे हैं या फिर रेगुलर में कर रहे हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप रेगुलर में किसी एजेंट के द्वारा करवा सकते हैं। हालांकि मैंने इस पर पहले बहुत सारी वीडियो बना दी हैं कि आपको डायरेक्ट में करना चाहिए फिर रेगुलर में करना चाहिए, तो दोनों में फायदा किस में है और कौन से म्यूचुअल फंड में आपको करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पर या फिर स्क्रीन पर लास्ट में शो हो जाएगी, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि 23.38, कहने का मतलब है ये 3 साल का दिखा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर 1 साल का सिलेक्ट कर लेता हूँ, 6 मंथ 1 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 30.51%, कहने का मतलब है अगर आज की ही डेट में हमने 1,00,000 रुपये 2023 में लगाए हुए होते इस म्यूचुअल फंड में तो आज उन पैसों की वैल्यू होती 1,30,000 यहाँ पर करीब 500 रुपये के आसपास यहाँ पर होती, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे कि कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि 1 टाइम यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर 1 लाख कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको बताया 1,30,510 रुपये यहाँ पर बता रहा है, मैंने आपको 500 कुछ बताए थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझते, कहने का मतलब है आज की ही रेट में आपने 2023 में लगाए हुए होते तब, ठीक है। पर यहाँ पर हम SIP की बात करने वाले हैं तो कहने का मतलब है सबसे पहले आपको ये पूरा समझ लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ग्राफ, ठीक है, यहाँ से कहने का मतलब है ये अब तक यहाँ पर डाउन ही होते जा रहा है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आज जो ग्राफ है वो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर आप कम समय के लिए कर रहे हैं, यानी कि 1 साल से कम समय के लिए कर रहे हैं, अगर 1 टाइम भी कर रहे हैं तब, यानी कि एक ही बार में, यानी कि जिसे हम लमसम अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। अगर आप 1 टाइम में कर रहे हैं तो 1 साल के लिए तो आप करें ही ना कम के लिए, ठीक है। हालांकि म्यूचुअल फंड में पैसा के लिए निवेश कब किया जाता है, जैसे कि 5 साल 10 साल अधिक समय के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड या फिर SIP में अपना पैसा निवेश करें। इसी के साथ में आप यहां पर देख पा रहे हैं अब भी ये लगातार यानी कि ग्राफ गिरते जा रहा है, फिर भी ये यानी कि 30% का यहां पर रिटर्न दिखा रहा है, 30.5% का यहां पर रिटर्न दिखा रहा है अब भी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कितना यहां पर इसने रिटर्न दिया है ये आप खुद ही समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं SIP की, तो चलिए SIP की हम यहां पर जोड़ देते हैं। SIP पर हम सिंपली क्लिक करते हैं, अगर हम 5,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर पे करते हैं और SIP हमारी चलती है 5 साल, ठीक है। तो 5 साल में यहाँ पर ये बता रहा है कि जो रिटर्न है यानी कि जो आपका 3,00,000 रुपये यहाँ पर जमा हो जाता और आपको यहाँ पर टोटल मिलता जो पैसा वो मिलता आपको 6,40,651 रुपये आज की डेट में आपको मिलता अगर 5 साल तक आप SIP को चलाते रहते। और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि छोटी सी अमाउंट के बारे में, ठीक है। तो छोटी सी अमाउंट के बारे में अगर आप यहाँ पर 1,000 रुपये भी पे करते पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, तो आपके यहाँ पर 60,000 रुपये हैं वो पे हो जाते। इसी के साथ में आपको 1,28,130 रुपये आपको यहाँ पर मिलते 5 सालों में। तो कहने का मतलब है आप समझ सकते हैं कि 5 सालों में आपके कितने यहाँ पर पैसे बढ़ रहे हैं, कहने का मतलब है आपके दुगने हो रहे हैं अगर आप वो भी अगर आप 1,000 रुपये पे करते हैं हर मंथ, ठीक है, तो 5 सालों में। और 1,000 रुपये पे करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि बड़ी अमाउंट जैसे कि 10,000 रुपये पर मंथ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10,000 के हिसाब से आप देख सकते हैं 6,30,000 रुपये यहाँ पर जमा हो जाता है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सॉरी यहाँ पर हो गए हैं 10,500, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 10,000 रुपये यहाँ पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं टोटल हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 6 लाख और इसी के साथ में हमें डबल यहाँ पर रुपए मिल जाएंगे, यानी कि हमारे 5 लाख अगर हम जमा करते हैं तो इसमें 10 लाख हो जाएंगे 5 साल में अगर हम SIP चलाते हैं तब। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इसमें
यानी कि 10,000 रुपये पर मंथ पे करते हैं तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 6,00,000, और इसी के साथ में आपको रुपए मिलेंगे पूरे यहाँ पर 12,81,302 रुपये। ठीक है, ये दिखा रहा है यानी कि पीछे का डाटा। ठीक है, कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको इतने ही मिलेंगे, हो सकता है बढ़कर मिले, हो सकता है कम मिले, पर एफडी से ज़्यादा आपको ये रिटर्न हमेशा ही देंगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड काउंटरा के जितने भी म्यूचुअल फंड है, 3 म्यूचुअल फंड है, एक कोटका में है, एक इन्वेस्ट में है, और यहाँ पर एक SBI में है। ठीक है, तो ये 3 म्यूचुअल फंड है और इसी के साथ में आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि यहाँ पर जो इसका फंड मैनेजर है वो कौन कौन है। ठीक है, जैसे कि यह है, जैसे कि देख पा रहे हैं दिनेश, प्रदीप। ठीक है, तो इनकी आप क्वालिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, और जो कि दिनेश है यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में 2018 से इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखते हैं, देख सकते हैं, और इसका जो एक्सपेंसिव जो रेट है ये आप देख लें। ठीक है, क्योंकि तभी आप यहाँ पर अधिक प्रॉफिट ले पाएंगे। अगर आप रेगुलर के थ्रू जाते हैं तो जो एक्सपेंसिव जो रेट है वो आपका यहाँ पर बढ़ जाता है। अब ये क्या होता है, जैसे कि जिस कंपनी में आप अपना पैसा निवेश कर रहे हैं वो सिक्योरिटी के तौर पर आपसे यहाँ पर इतना चार्ज लेती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर आप रेगुलर के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पर आपको 1.5152 या फिर 55 तक आपको देना पड़ता है, पर यहाँ पर 0.58 ही देना पड़ रहा है। अब वो क्यों देना पड़ रहा है वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आप अपने बीच में एक एजेंट को बाय करते हैं, ठीक है, कहने का मतलब है अगर आप रेगुलर के थ्रू अपना पैसा निवेश करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, या फिर SIP सही, या फिर म्यूचुअल फंड यानी कि वन टाइम लमसम अमाउंट सही, तो वहाँ पर जिस कंपनी में आप वहाँ पर रेगुलर के थ्रू अपना पैसा निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक एजेंट बाय हो जाता है। ठीक है, तो उस एजेंट को वो कंपनी हर सालाना पैसा देगी जब तक आपका पैसा उस म्यूचुअल फंड में या फिर SIP आप चलाते रहेंगे, तो सालाना उसकी कमीशन उसके अकाउंट में पहुँचती रहेगी। डायरेक्ट में ये होता है कि अगर आप जैसे कि ये है SBI कॉन्ट्रा, ठीक है, तो आप इस कंपनी में डायरेक्ट ही पैसे को निवेश करना है बिना किसी थर्ड व्यक्ति को लिए हुए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको डायरेक्ट ही अब जो भी कमीशन मिलेगा, जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो आपको ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीच में एजेंट होता है वो उसका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब एक्चुअली में काम क्या होता है उस एजेंट का वो हम समझ लेते हैं। एजेंट का काम होता है जैसे कि इस म्यूचुअल फंड के बारे में बताना, और एक्चुअली में हमें बताता कोई भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आपका पैसा है वो लगवा देते हैं म्यूचुअल फंड में, उसके बाद में कहते हैं आप इंतजार करो, आपका ये अच्छा म्यूचुअल फंड है, बस इतना ही आपको समझाते हैं। अगर आप बैंक के थ्रू करते हैं तो वो आपको रेगुलर ही बताएंगे। ठीक है, अब रेगुलर डायरेक्ट की आप किस तरीके से पहचान कर सकते हैं, जैसे कि ये है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट नेम आ रहा है ये वाला। ठीक है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है, ये नेम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर रेगुलर होता तो कहने का मतलब है आप समझ जाते कि हाँ ये रेगुलर प्लान है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अभी भी यानी कि जो इसका ग्राफ है आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर गिर गया, जबकि इसकी NAV थी वो थी 440 रुपये, और अब यहाँ पर NAV देख सकते हैं आप 403 रुपये। तो NAV आप समझ सकते हैं कितनी यहाँ पर 37 NAV गिर चुकी है। तो अगर आप इस समय अगर NAV को परचेज करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो ग्राफ है जैसे ही ऊपर उठे, ठीक है, पर मैं आपसे कहूँगा कि अभी आप इसमें पैसे को निवेश ना करें। ठीक है, क्योंकि जब तक ये इलेक्शन चल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं जब तक ये इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, तब तक आप इसमें पैसे को निवेश ना करें। और इसी के साथ में आप करें पैसे को निवेश तो बहुत ही सोच समझ के करें जब ऊपर की तरफ यहाँ पर एनालिटिक्स जाने लगे। ठीक है, हालांकि इसमें डर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको SIP अगर आप चला रहे हैं, ठीक है, तो SIP जब भी NAV डाउन होती है तो आपको वहाँ पर पैसा बढ़ाकर ही जमा करना चाहिए, ताकि जो NAV है वो सस्ती से सस्ती आप खरीद पाएँ, और जब भी ग्राफ ऊपर की तरफ हो, ठीक है, तो वो NAV हाई हो जाए। कहने का मतलब है आप सस्ती NAV ज़्यादा खरीदेंगे और महंगी NAV होंगी तो वो कम खरीदेंगे, तो आपका जो सस्ती NAV ज़्यादा खरीदी हुई होंगी तो आपको प्रॉफिट है वो यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें जो लॉस होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं अगर आप एक लंबे समय के लिए अपना पैसा निवेश करते रहते हैं तब। ठीक है, और आप कम समय के लिए पैसा निवेश करना है तो आपको तो इसमें लॉस ही होगा, जैसे कि कोई 6 मंथ के लिए करता है। ठीक है, तो 6 मंथ में क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, 6 मंथ के लिए उन्होंने किया तो इसमें डाउन हो गया। अब इसमें यहाँ पर जो 6 मंथ में आप जाएंगे तो देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर 6 मंथ में आपको यहाँ पर सबसे पहले तो 20% टैक्स देना पड़ेगा शॉर्ट टाइम, इसी के साथ में 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पर 21% आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो आप मैं आपसे मैं कहूँगा कि अगर आप
SIP चला रहे हैं तो आप लॉन्ग टाइम के लिए ही SIP चलाएं, और NAV सस्ती होती हैं तो आपको ये डरना नहीं है कि NAV सस्ती हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि NAV कभी भी महंगी हो सकती हैं। तो आप जैसे ही सस्ती NAV हो तो आप अधिक से अधिक इसमें पैसे को निवेश करने की सोचें, तभी आप यहाँ पर अधिक प्रॉफिट ले सकते हैं। आप जानते हैं कि शेयर बाजार है जो कि इस तरीके से अब गिरा है, वो गिरा था 4 साल पहले, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर इसमें जरा सा भी, आज की डेट की बात कर लेते हैं 20 नवंबर को, तो 6,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर को फायदा हुआ है यहाँ पर आज की डेट में, ठीक है। हालांकि NAV यहाँ पर लगातार गिरती जा रही है, आप देख सकते हैं कि इतना ग्राफ यहाँ पर उठ गया था, फिर उसके बाद में यहाँ पर डाउन होता चला गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो इन्वेस्टर को आज जो फायदा हुआ है, यानी कि थोड़ा सा ग्राफ उठाया तो 6,000 करोड़ का यहाँ पर फायदा हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 6,000 करोड़ कितनी बड़ी अमाउंट हो जाती है, पर इस म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक को लेकर यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है 6,000 करोड़, ठीक है। तो दोस्तों आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप SIP स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपका पैसा तो देखो यहाँ पर नहीं डूबने वाला है, और आपका पैसा यहाँ पर तभी डूबेगा अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हैं, यानी कि कम समय के लिए कर रहे हैं। अगर लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज जो मार्केट है वो यहाँ पर डाउन है, और इसी वजह से हर म्यूचुअल फंड ही कि जो NAV है वो डाउन है। जैसे कि यहाँ पर और बात कर लेते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रा यहाँ पर बात कर लेते हैं, SBI कॉन्ट्रा कोटका की बात कर लेते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देख सकते हैं इसने 3 साल में दिया है। तो कहने का मतलब हर म्यूचुअल फंड की आप देख सकते हैं NAV डाउन है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय जो शेयर बाजार है वो डाउन चल रहा है ज़्यादातर, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अभी अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं SIP, तो इस समय आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पर अधिक प्रॉफिट देखने को मिलेगा बाद में, ठीक है। पर SIP आपको लंबे समय के लिए ही करना है, ठीक है, तभी आप यहाँ पर अधिक प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको 4 साल पहले बताया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो यानी कि जब ग्राफ गिरा था तो आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर ग्राफ गिरा था, ठीक है। कहने का मतलब है जो उस समय था 61 रुपए की NAV थी, ठीक है, जब गिरा था तो यहाँ पर जो NAV हो गई थी 39 रुपए की, लगभग 40-39 रुपए की यहाँ पर NAV हो गई थी, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और SIP अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इस समय SIP शुरू कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा एक मौका समझ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।